हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है तीज वाला दिन, मतलब तीज का दिन है। और देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के नए वस्त्र पहना दिए हैं। और ये देखिए, मतलब फूलों से सजा दिया है उनको, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो ये सुबह की जो पूजा है ना, वो मैंने कर ली है। उसके बाद तुरंत ही मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इनका नाश्ता बनाना था, मेरा तो फास्ट था। तो इनके लिए मैंने पराठे और सूखी सब्जी बना दी थी, और यहाँ पर दही भी दे दी थी। तो ये खा पी के, मतलब अभी चले जाएंगे ऑफिस, उसके बाद मैं अपना घर के काम में लग जाऊंगी। तो इनको भेजने के बाद सीधे मैं किचन पे धावा बोल दी थी, क्योंकि रोटी वोटी बनाओ ना तो किचन जूठी हो जाती है। तो फिर आज है व्रत, तो उसके लिए मुझे प्रसाद बनाना है। तो सबसे पहले क्लीनिंग ज़रूरी है। तो जैसे मैंने नाश्ता बनाया था दो ही पराठे, दो तीन ही, लेकिन ये है, हो जाता है ना कि फिर जूठी तो हो गई किचन, गंदी तो हो ही गई, तो फिर उसको साफ़ तो दोबारा से करना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा सर्फ छिड़क के अच्छे से क्लीन कर लिया था। और थोड़ा सा भी सर्फ छिड़क लो ना, बड़ा अच्छे से, मतलब साफ़ हो जाता है, जो भी चिकनाई वगैरह होती है सब एकदम साफ़ हो जाती है। तो साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर आलू प्याज रात को लेके आए थे, तो मैंने ऐसी टोकरी में रख दिया था, वो हटा दिया। फिर जितने भी बर्तन थे ना, उसको मतलब मैंने साफ़ करके, ये सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब बर्तन धो ना तो इसमें भी बहुत सारी चिकनाई हो जाती है। तो देखिए, मैंने मतलब बर्तन को माँज माँज के दूसरे वाले सिंक में कर लिया अभी, बट अभी उसको धोया नहीं है। तो इसको पहले धो लेती हूँ, फिर उसको धो धो के बर्तन को मैं मतलब टोकरी में लगा दूँगी। तो बस रगड़ रगड़ाई शुरू है अच्छे से, और सर्फ डाल डाल के सारा साफ़ कर दूँगी। तो दिन भर आज साफ़ ही रहने वाला है, क्योंकि लंच में ये नहीं आएंगे तो भाई खाना नहीं बनेगा, मतलब सब कुछ साफ़ ही रहेगा। अब ये देख सकते हैं, यहाँ के भी बर्तन मैंने सारे धो धा के निकाल लिए थे, मतलब बास्केट में लगा दिए हैं। और अब इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जैसे दूसरा वाला की थी वैसे इसको भी कर लूँगी, सर्फ डाल के थोड़ा सा रगड़ के। और ये देखिए, ये सब मतलब धोने को मांगता ही मांगता है। बर्तन धोने के बाद डेली की डेली साफ़ करते रहो ना, वरना इसमें भी काई वगैरह जम जाती, तो बड़ी सी मतलब अजीब सा लगता है। किचन में ऐसे गंदगी अच्छी नहीं लगती है। किचन ऐसी जगह है ना, जो एकदम साफ़ सुथरी हो तभी खाना खाने का, खाना बनाने का भी तभी मन करता है, और खाने का भी तभी मन करता है। तो भाई, किचन सबसे ज़्यादा सफाई मांगती है, और ज़रा सा भी इसमें लापरवाही बरतो ना तो यहाँ पे जूठन जो होता है ना, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगती है। इसलिए डेली मतलब खाना बनाने के बाद, खाने के बाद ये सब अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो मेरी चमकती रहती है हमेशा ही। खैर, ये सब आप लोग वीडियो में देखते ही रहते हो। और उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर रख लिया है कढ़ाई, चढ़ा दी है बड़ी वाली, और दूध चढ़ा दी है क्योंकि बनाऊंगी पेड़ा। सब कुछ साफ़ हो गया था, तो मैंने कहा चल लगे हाथ प्रसाद बना लेती हूँ। तो घी डाल रही हूँ, और पेड़ा देख सकते हैं एकदम बांधने लायक हो गया मेरा, बहुत है इतना चढ़ाने के लिए। तो अभी बांध लेती हूँ इसको रगड़ रगड़ के। और ये ना मतलब देसी घी का जो है लड्डू मेरे गणपति बप्पा के लिए तैयार होने जा रहा है। तो मैं अंदाजे से ही डालूंगी इसमें बेसन, और मंदी आंच पर इसको बिल्कुल सिम पर भूनना है, अगर तेज हुआ तो जल जाएगा। तो ऐसे मैं बेसन के लड्डू की रेसिपी बहुत बार डाल चुकी हूँ, ये मैं बनाती ही रहती हूँ, तो मैं सारा कुछ क्या ही बताऊँ। तो भाई, दोनों कढ़ाइयाँ मेरी चढ़ चुकी, बड़ी और छोटी, और गैस वगैरह तो मैंने अच्छे से धो ही लिया था। तो बस इसको अच्छे से भूनूंगी, इसमें देसी घी का कमाल होता है, अभी देसी घी और डलेगा इसमें, मतलब मैं थोड़ा भून के ना फिर और डाल दूंगी, इकट्ठी नहीं डालती हूँ, इकट्ठे डालूँ तो बिल्कुल हलवा ही बन जाएगा तुरंत ही। तो इसको पहले भून लूँ अच्छे से, फिर मैं डालती रहूँगी। और अभी मैं इतना ही बनाऊँगी, एक डब्बे में रखूँगी मतलब बना के। तो फिर मैं ऐसा है, सुबह सुबह स्कूल जाऊंगी तो मैं कम से कम चार चढ़ा तो सकती हूँ लेके। अभी मैं तैयार होऊंगी, बस सब काम करके रख के फिर मैं अच्छे से तैयार होऊंगी। और अभी मुझे मार्केट जाना है अपने गणपति बप्पा को लेने के लिए। बेसन के लड्डू ना बहुत जल्दी बन जाते हैं, ये तो खैर मैं एकदम थोड़ा ही बना रही हूँ। तो मतलब अगर आप जब तक सोचो कि मार्केट से मैं लड्डू मंगाऊँ या लड्डू लेने जाऊँ, उससे अच्छा आप उतने ही टाइम में आप घर पे भी फटाफट बना सकती हैं। यहाँ पे घी मैंने और डाल दिया है, क्योंकि देसी घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है बेसन के
लड्डू में, और इसको मंदी आज पे एकदम सौंधी सौंधी, मतलब इसमें खुशबू आ रही है एकदम अच्छी वाली। अब इसको नीचे उतार ली हूँ और अब एकदम ठंडा हो गया है, मतलब इतना ठंडा हो गया कि हाथ में पकड़, अरे रे अभी भी गर्म है, पकड़ नहीं सकती। इसको थोड़ा थोड़ा करके मसल लूंगी, अच्छे से मसल लूंगी तब बिल्कुल मतलब अच्छा वाला पेड़ा बनेगा। इस पेड़े को मैं मतलब हर व्रत में मैं बना ही लेती हूँ चढ़ाने के लिए, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि ये होता है शुद्ध बिल्कुल घर का पेड़े बन गए, मतलब इतना मेरे चढ़ाने के लिए काफी है। बेसन को इसी कढ़ाई में पलट लिया है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे पेड़ा लगा था, तो मैंने कहा खुरच खुरच के इसमें डाल दूंगी, सारा टेस्टी बनेगा। फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसमें बूरा डाल के और थोड़े से बादाम कटे डाल के बस बांध लूंगी। देखिए एकदम लाल मतलब भुन गया है, तो मतलब दोनों मिठाइयाँ मेरी तैयार हैं। और ये तो आज के लिए है, बिल्कुल अनाज का टच नहीं होना चाहिए इसमें, बेसन भी नहीं लगना चाहिए इस वाले में। पिसा हुआ मतलब ये पिसा बूरा होता है, शुद्ध देसी खांड भी बोल सकते हैं इसको। मतलब मेरे घर में ना चीनी यूज ही नहीं होती है, कभी कभी जब आ जाती है जियो से, जब ये ऑर्डर करते हैं ना उसमें फ्री मिल जाती है, तो वही बस रख लेती हूँ। लेकिन अभी आज तो खैर नहीं है, वरना अगर मैं राशन में मंगाती हूँ तो मैं चीनी नहीं मंगाती हूँ, ये देसी खांड ही मंगाती हूँ, क्योंकि चीनी से सही ये रहता है। अब इसको मिला लूँगी, इसमें कटे बादाम डाल दूँगी, तो बस फटाफट में लड्डू मेरे तैयार। बादाम भी कट के डल चुकी है बारीक बारीक, देख सकते हैं लंबी लंबी, देख सकते हैं कितना सुंदर लड्डू बनके तैयार हो गया है मेरा, और घर का शुद्ध। तो थोड़ा थोड़ा सा साफ कर ले, देख सकते हैं। और मेरा लड्डू ना, मेरी खासियत ये है कि मेरा लड्डू ना एकदम इक्वल साइज बनेगा, अभी देख लेना अपने आप ही उठता ही इक्वल साइज है। बल्कि कई लोग कहते हैं कि आपका कैसे छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन पता नहीं कैसे मैं जब उठाती हूँ ना तो मैं उतना ही अंदाज में उठाती हूँ। एक्सपीरियंस कह सकते हैं इतना लंबा खाना बनाने का, या कुछ भी कह सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ बट ज़्यादा नाप तोल के नहीं बनाती हूँ, बस अंदाज चलता है अंदाज। देखिए बिल्कुल इक्वल साइज में भाई, देख सकते हैं पूरे लड्डू बन के तैयार हैं। और वाह रे संगम रानी, गणपति जी आए नहीं, लड्डू पहले बन के तैयार हो गया, लड्डू बन गए, पेड़े बन गए, सब कुछ तैयार है मेरे। तो गणपत पापा भी आ जाएंगे अभी, बस अब मैं जा ही रही हूँ गणपत जी को लेने के लिए। अभी सारा काम हो गया है, गैस भी यहाँ से ऑफ कर दूंगी, तब मैं जाऊंगी गणपति जी को लेने। यहाँ पे ये कढ़ाई ना अभी इतनी जल्दी साफ नहीं होगी, तो इसको भिगो दी हूँ, मतलब पानी पूरा फुल भरना पड़ेगा इसको, तब आने के बाद इसको वॉश करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून हो गया है, सच में सुबह से काम करते 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 करते, और व्रत था तब भी इतना काम था, और आज ना मैंने ले ली थी छुट्टी, क्योंकि भाई स्कूल जाओ ना, मैं छठ वाले दिन इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मतलब कि क्लास में कोई आ नहीं रहा था, और क्लास में जब तक दूसरे टीचर नहीं आ सकते आप हाफ डे भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को ना आप अकेले नहीं छोड़ सकते। तो इस चक्कर में मैंने मतलब आज की तो छुट्टी ले ली थी, क्योंकि ये वाला व्रत ना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि वो तो पूजा करने के बाद आप पानी पी सकते हो, बट इसमें क्या है बिल्कुल भी पानी वानी नहीं पीना होता है। तो भाई कल की जो मेहंदी थी वो अच्छी रंग ला दी है, और अभी धीरे धीरे और काली होती जाती है, ये मेहंदी ऐसी होती है ना। एक बार तो मैं सुबह नहा ली थी, और सुबह का जो पूजा का मुहूर्त था ना वो 6 से 8 बजे के बीच में था, मतलब 8:30 बजे तक, तो मैं सुबह ही जल्दी 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 सारा काम करके, क्योंकि मैंने सोचा कि नहा के पहले टाइम से व्रत रखी हूँ इतनी श्रद्धा से, तो टाइम से मतलब मुहूर्त से पूजा वगैरह भी कर लूँ। बेलपत्र वगैरह सब ले आई थी धतूरा के, मतलब फूल वूल सब ले आई थी सुबह ही, तो उससे कर ली हूँ। अभी जो शाम वाली, लेकिन शाम वाली जो होती है ना वो मेन पूजा होती है, तो अभी मैंने नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया, अब लगाऊंगी अभी बैठ के, पैरों में भी कलर लगाऊंगी, पायल भी दूसरी चेंज करूंगी, नई वाली पहनूंगी, सब कुछ करूंगी अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो बहुत काम कर लिया है। और मैं सोच रही हूँ एक बार ना बस 16 श्रृंगार करने से पहले एक बार जाती हूँ जल्दी से मार्केट, हिम्मत नहीं ले रही है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आएंगे शाम को, फिर कहेंगे चलो, तो शाम को मैं इतनी तैयार होकर फिर नहीं जा सकती मार्केट, और फिर शाम तक मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। बस आज ये है कि शुक्र है मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, बिल्कुल मौसम साथ दे रहा है, तो मैं अभी फिलहाल फटाफट मार्केट निकल जाती हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला सूट डाल लिया है, मैंने कहा सूट पहन के चली जाती हूँ अगर मार्केट, तब आके ना शाम को साड़ी पहनूंगी। और जो हमारा पीला वाला सिंदूर होता है ना, यही मेन होता है, क्योंकि इसी से हमारे मतलब इसी से मेरे पांडे जी मेरी मांग भरे थे, तो मतलब शादी हमारे यहाँ पीले वाले से होती है, और मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ पीला वाला, आप लोगों को पता ही है,
हमेशा तो मैं मतलब वो वाला दूसरा वाला लगा लेती हूँ, लेकिन जब तीज हो करवा चौथ हो तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। दो व्रत में तो मैं हमेशा लगाती हूँ, और अपने एनिवर्सरी वाले दिन, अपनी एनिवर्सरी वाले दिन में ये सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ। तीन बार तो मैं साल में लगा लेती हूँ ये वाला सिंदूर, पीला वाला। मैं मार्केट निकल चलती हूँ, मार्केट से ले आती हूँ अपने गणपति बप्पा को, फिर मिलती हूँ। पैक कर दिया, तो भाई आ चुके हैं मेरे गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ले आई अपने गणपति जी को, और फूल माला फल फूल मतलब सब कुछ कल के लिए और आज के लिए दोनों के लिए सामान ले आई हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है तैयार होके, और मेरे देखे 2:30 बज गए, 4 बजे मुझे जाना है ममता मैम के घर, तो थोड़ी सी चौकी अपनी भी सजाऊंगी उसके बाद फिर जाऊंगी। तो गणपति बप्पा तो अभी मतलब फिलहाल कल के लिए ऐसे ही रख देती हूँ यहीं पर, कल आप लोगों को फेस देखने को मिलेगा भगवान जी का। यहाँ पर देखिए थोड़े सी वाले फूल मैंने रास्ते में से तोड़े हैं, ये सुबह लाई थी चढ़ा दी थी, बट इस टाइम के लिए मैंने तोड़ लिए हैं थोड़े से। ये वाले जो फूल है ना, ये वाले ये मैंने खरीदा है, खरीद के लाए, इसमें गुलाब के भी हैं पार्वती माता को चढ़ाने के लिए, इसमें देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर गुलाब भी भैया ने दे दिए, बहुत सारे दे दिए हैं, कई सारे इसमें और भी हैं। तो बस ये पीला वस्त्र है, जनेऊ है, सुपारी है, गौरी माता की माला है, वस्त्र है अपने गणपति का, हार है, नारियल है, मतलब पूजा का सारा सामान मैं लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग जो है बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए ये एंड कर देती हूँ, और कल की वीडियो में पूरी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी हरतालिका तीज की।